टट्टी करके ना आना, टट्टी आई ना। और ये है गटुआ भाई, 250 रुपए की सब्जी है आलू की, 250 रुपए। खाना ऐसा इससे बढ़िया तो झील का खाना हो। तो गाइस गुड मॉर्निंग, निकल लिए हैं केदारनाथ के लिए, बैग बांधे जा रहे हैं, ये रखे बैग गाड़ी में बांधे जा रहे हैं बैग, तो चलते हैं फिर केदारनाथ के लिए। गाइस 40-50 किलोमीटर आगे आ गए गाड़ी में सनीचर फैला रखा दूसरे। तो गाइस झील डबा चल रही है, उनको आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो गाइस यहाँ से चलने का नाम नहीं ले रहे, ये साले फोटो में फोटो खिंचाए जा रहे हैं, वहाँ पे बात करने में लगे पड़े, क्या लैटिन में चली गई क्या है? माफी चुल्लड़ा मुंह में दे दो चोक। ये देखो ब्लॉगिंग चल रही है, साले टट्टी करके ना आना, टट्टी आई ना, बोला तो यहीं करिए पहाड़ में जाकर देख चल लैटिन, लैटिन करने चल रहे। तो गाइस हम जा रहे हैं पहाड़ों में लैट्रिन करने, शौचालय तो है ही ना, शौचालय देखो, शौचालय बस ये खाई है ना भाई, खाई से नीचे करेंगे गाइस, और खाई से नीचे करेंगे और गड्ढा कर देंगे जमीन में। A few moments later. तो गाइस हम पहुंच गए देव प्रयाग, जा रहे हैं हम गंगा जी नहाने, यहाँ दो गंगा जी मिलती हैं, दिखाऊंगा अभी नीचे पहुंचते हैं, जीना बहुत लंबा, जीने उतरते हुए जा रहे हैं। दे सकते हैं, आ गए हम नीचे उतर के, ये है अलकनंदा जो केदारनाथ से आ रही है, और ये है भागरथी, इसका भाव बहुत तेज है। यहाँ दो नदी मिल रही है, ये आ रही है केदारनाथ से और ये आ रही है बद्रीनाथ से, ये वाली बद्रीनाथ से आ रही है, और हम दोनों जगह जाएंगे। बाईस 70-80 किलोमीटर और चलने के बाद दिमाग खराब, मौसम बहुत बढ़िया मिला तो भूख लग रही है, हमने खा लिया खाना, रुक गया पीछे हमारा होटल है, खाना खा लिया, ये खड़ी हमारी गाड़ी, केदारनाथ के सफर के लिए निकल चल ही रहे हैं, अभी बहुत लंबा सफर है, बड़ी दिक्कत आ रही है पे बैठे बैठे। और ये है गटुआ, तो भाई सोन प्रयाग पहुँच चुके हैं, 11 घंटे लग गए पहुँचने में, आज यहीं रेस्ट करेंगे, सुबह निकलेंगे केदारनाथ की चढ़ाई के लिए, पहले हमें गौरीकुंड जाना होगा, गौरीकुंड का रास्ता यहाँ से 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का होगा, जाम नहीं मिला तो। रूम हमने ले लिया है, रूम भी नहीं दिखा आपको, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना खाने के बाद दिखाते हैं आपको यार की माँ की मार्केट, तो खैर बंद हो गई है मगर बढ़िया लग रहा है, बिना जा रहा नज़ारा दिखाता हूँ, बताओ दिखाना अच्छा, ये डोसा बन रहा है, डोसा खाने आए हैं, डोसा बन हो रहा है तैयार, अंकल बना रहे हैं डोसा, और ये होटल है, ये डोसा और ये गाय, रोटी भी आ चुकी है हमारी, और ये आ चुका खाना भाई, दाल तो बिल्कुल पान की है, ये भाई 250 रुपए की सब्जी है आलू की, 250 रुपए रोटी, देखो रोटी है 20 रुपए की एक भाई, पनीर डाला है तुमने नाम का भाई, पहाड़ों पे आओ तुम नाम का पनीर डाला है, चलो तो गाइस हमने खाना खा लिया, खाना ऐसा इससे बढ़िया तो झील का खाना हुआ है, तो गाइस यहाँ पे आओ तो खाना अपना खुद बनाओ ना, तो गेस्ट भी साथ में लेके आओ, हाँ भाई चूतड़ा खुल जाएंगे ना, तो बता रहा हूँ मैं, इस पर खाया गाई, इस पर मत खाइयो कभी, ना उस पर खाइयो, ना उस पर खाइयो, कहीं मत खाइयो। I need to put